तो दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? दोस्तों अभी शाम होने वाला है जस्ट, और हम लोग गए थे मायके माने कि मेरे ससुराल में, और उनके पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो गया था, इसलिए हम आज सुबह ही गए थे और अभी जस्ट शाम को वापस जा रहे हैं। हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का घर ज़्यादा दूरी नहीं है। कितना दूरी होगा? अरे उतना ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में मेरा ससुराल है। तो हम लोग का कोई साधन नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे ही पैदल चले आते हैं, और सुबह गए थे और अभी घर जा रहे हैं वापस। देखो झोड़ा झुला कर रखी है, बोल रही कि मेरे को वजन लग रही है, मेरे को पकड़ने के लिए बोल रही है कब से, दो पकड़ देता हूँ। 2-3 दिन से इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब था ना, इसलिए अभी ज़्यादा वजन वगैरह नहीं उठा, अभी तबीयत भी पूरा क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक हो गया है। और अभी लगभग आधा दूरी तय कर ली है और थक गई अभी भी। और यहाँ पर ये थोड़ा आराम भी सोने के लिए बोल रही है, तो चलिए थोड़ा यहाँ रुक कर बैठ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। और हमको भी आगे जाना है, बहुत आगे, देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो गाइस अभी देख सकते हैं बड़ा नाला के पास पहुँच चुके हैं, ये देखो इधर का रास्ता, और रास्ता देखोगे तो नहीं समझ पाओगे कि रास्ता है कि क्या है, लेकिन हम लोग का हमेशा का रास्ता यही है दोस्तों। कितना खचाड़ी रास्ता है, कितना ऑफ रोडिंग है, शायद यहाँ से बाइक तो आसानी से जा नहीं पाता है, लेकिन 4 चक्का की तो बात ही छोड़ो। बताओ भला हमारे इधर 4 चक्का गाड़ी कैसे जाता होगा? देख सकते हैं इधर का रास्ता, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। ऐसी जी हम न पाए, तो गाइस रास्ते में देखो एक राहर का खेत मिला है, और इसका फूल देखो क्या सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। देख सकते कितना सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है। और इस खेत के इधर देखोगे तो एक तालाब है, तो भाई जब ही पहुंच चुके हैं घर में देखो, अरे यार तो क्या देख रही है, अपना मेकअप वगैरह देख रही है कि कोई चुरा तो नहीं ले गया है। लग रहा है कि कोई चुरा ले गया, इसलिए देखो एक भी सामान गायब नहीं होना चाहिए, तो पता नहीं किस पे इंजाम डाल दिया। तो गए हम गए थे इसके मायके, मतलब मेरे ससुराल। तो गए जिनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो हमको जाना पड़ा और मैं लेकर गया था उसको हॉस्पिटल, तो सुई लगवा कर आया हूँ, तो थोड़ा तबीयत कुछ ठीक लग रहा था इसलिए हम लोग आ गए वापस। अगर ज़्यादा सीरियस रहते तो हम लोग नहीं आए होते, लेकिन कुछ ठीक हो गई इसलिए हम लोग आ चुके हैं घर में। तो गाइस आप दुआ कीजिए कि हमारे ससुर जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। देखो मुस्करा दी है मेरी बीवी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। चेक करवा लेना उसके बाद, उनको टीवी की शिकायत लग रहा है मेरे, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है, तो शायद अभी गांव के लोकल हॉस्पिटल में दिखाए हैं तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कल अगर हो सके तो सोनोग्राफी वगैरह कराएंगे, तो उसका टीवी जांच करवाना है, अगर फिर जो भी होगा देखेंगे आगे क्या होता है, फिर बताएंगे। फिर बताएंगे अभी चल के आई है ना, ते भी वो भी मेरा भी तबीयत खराब, मजबूर चलते चले गए, मेरे पापा था तो इसलिए मैं नहीं गई, मेरा भी तबीयत खराब है, चल नहीं पूछता।
चल नहीं पा रहे थे उतना, 3-4 किलोमीटर कम नहीं होता है दोस्तों इसलिए। लेकिन क्या करें, तबीयत ख़राब हो गया था उसको, उनके पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं था इसलिए मेरे को जाना पड़ गया। इसको लाए और इसको सर्दी खांसी में तो इसके लिए भी लौंग सौंफ वगैरह लाया हूँ, तो इसको खाएगी तो इसका सर्दी भी ठीक हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में तब तक के बाय। लाइक जरूर कर, लाइक देख मेरी बीवी बोल रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाय।